अगर जिसकी वीडियो पर भी 3-4 व्यूज आ रहे हैं तो आज मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपने थंबनेल पे देख के समझ गए होंगे 3-4 व्यूज की प्रॉब्लम है, ये 6-7 व्यूज की प्रॉब्लम है, ये 10 व्यूज या 15 व्यूज आके रुक जाते हैं, तो आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो कैसे होगी सॉल्व आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो मेरे दोस्त, जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर्स की जो व्यूज की प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे आती है? जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो गलती करते हैं वो थंबनेल में गलती करते हैं। जैसे कि मेरे सारी वीडियो पे थंबनेल देखते हैं कि थंबनेल मैं बहुत अट्रैक्टिव बनाता हूँ, बहुत अच्छे, जितनी मुझ में मतलब नॉलेज है इतना मैं थंबनेल में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर भी व्यूज कम आता है ना, तो वो क्यों आता है कम? ठीक है, हम गलत टॉपिक चूज करते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी पॉपुलर वीडियो देखेंगे या फिर ओल्ड वीडियो देखेंगे तो उनमें और आपकी वीडियो में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है, हमें क्या काम करना है, एक ही नीच पे काम करना है। जैसे मान चलो हमने ओल्ड वीडियो बनाई है, जो पुरानी वीडियो बनाई है उस नीच पे काम करना है, ठीक है, तब हमारे व्यूज काउंट होंगे, ठीक है। और दूसरा है कि हम पॉपुलर्स वीडियो जो हमने बनाई है, अगर पॉपुलर्स वीडियो जो हमारी चल रही है अगर रेगुलरली हम उन पे कंटेंट बनाते रहेंगे तो हमारे व्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं कई बार वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं और ये बता भी चुका हूं, ठीक है। बट तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम अगर आप सुनने सॉल्व कर ली तो 100% कहता हूं आपकी व्यूज बढ़ जाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूं मैं, बट इसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। क्योंकि मैं तो बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने देखे हैं, नए नए चैनल जितने भी हैं, जैसे मेरा भी खुद का चैनल है, व्यूज की प्रॉब्लम है, व्यूज डाउन चलता है, 3-4 व्यूज आते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और नए क्रिएटर्स की। क्योंकि अगर हमें रेगुलरली व्यूज चाहिए अगर अपना चैनल ग्रो करना है, ठीक है, आज नहीं, अगर हमें आज ही व्यूज चाहिए तो ठीक है, अगर हम कोई पॉपुलर वीडियो पे बना सकते हैं, ठीक है, और हमें कंटिन्यू व्यूज चाहिए, क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना है कंटिन्यू व्यूज पे, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे कंटिन्यू हर दिन व्यूज आते रहेंगे, अगर हमने महीने में 30 वीडियो डाली है, अपलोड करी है, अगर 30 वीडियो पे अच्छे व्यूज आएंगे तभी तो हम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपकी ओल्ड वीडियो है, ठीक है, आपको वो चूज़ करनी है, ठीक है। ओल्ड वीडियो पे आपको काम करना है, सर्चेबल वीडियो पे काम करना है, बस आप है ना, आप एक मिस्टेक सुधार लें अपनी, जो थंबनेल है ना आपका थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब क्या है, 30 सेकंड से पहले पहले जो थंबनेल में लिखा है वो 30 सेकंड से पहले पहले आपको बोल देना है, ठीक है। बट ये नहीं कि आपने थंबनेल में कुछ लिख दिया और जो है आपने टाइटल में कुछ लिख दिया और वीडियो में कुछ है, तो ऐसा नहीं है। 30 सेकंड से पहले पहले जो थंबनेल आपने लिखा है वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। जैसे मैंने बोला है कि 3-4 व्यूज आते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आपकी ये प्रॉब्लम गारंटी से कहता हूं खत्म हो जाएगी। अगर आप ओल्ड वीडियो पे काम करेंगे और सर्चेबल वीडियो पे काम करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहां पर रेगुलरली काम करना है, आपको ओल्ड वीडियो चुननी है, ठीक है, आपको थंबनेल जो है ना अपना अट्रैक्टिव बनाना है, थंबनेल चेंज करना है। थंबनेल जितना अच्छा बनाएंगे आपकी इतनी वीडियो चलेगी। क्योंकि ये मत सोचना अगर आपकी वीडियो सर्च में नहीं जा रही है तो सजेक्शंस में जाएगी, सजेक्शंस में जाएगी थंबनेल से, और थंबनेल आपका बेहतर होगा तभी तो आपकी वीडियो चलेगी। तो मेरे दोस्त, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, गारंटी से कहता हूं 101%। ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं करी, मैंने इसमें सारी प्रॉब्लम आपको बता दी। आपको जो पॉपुलर्स वीडियो पर काम तो करना है, पॉपुलर्स वीडियो जितनी भी आपकी उन पर तो नीचे आपको बनानी ही बनानी है, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो कंटेंट मांग रही है, ठीक है। आपको नई ऑडियंस जोड़नी है जिससे कि आपकी वीडियो वायरल हो, तो उससे क्या है, आपको ओल्ड वीडियो पे काम करना है और सर्चेबल वीडियो पे काम करना है। सिर्फ आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, बाकी आप चीज छोड़ दें, ठीक है। टैग डिस्क्रिप्शन तो आप मेहनत करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, बस आपको थंबनेल में चेंजिंग कर देनी है, क्योंकि थंबनेल से जो होता है सजेशंस में आपकी वीडियो जाएगी और सजेशंस में जाएगी तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। ये गारंटी से कहता हूं ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी अगर 3-4 व्यूज आते हैं तो, ठीक है। थंबनेल चेंज कर दो, जितनी मेहनत है लगा दो, एक अगर एक घंटे में आपका थंबनेल बनना है तो बना दो, ठीक है। आप थंबनेल जिस अगर यूट्यूब से रिलेटिव बना रहे हैं तो बैकग्राउंड यूट्यूब से रिलेटिव होना चाहिए, फेसबुक से बना रहे हैं तो फेसबुक से रिलेटिव होना चाहिए, इंस्टाग्राम से रिलेटिव बना रहे तो इंस्टाग्राम से रिलेटिव होना चाहिए। मेरा थंबनेल देख के आप समझ जाएंगे किस तरीके का आपको थंबनेल बनाना है, ठीक है। अगर आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब उनको प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटिव मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।